वहीं 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों में भाजपा की शानदार जीत पर भिलाई जिला भाजपा पश्चिम मंडल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मिलन चौक हुडको में पटाखे फोड़कर दूसरे को गुलाल लगाकर जीत की बधाई देते हुए 101 किलो लड्डू का वितरण कर अपनी खुशी का इजहार किया। भारतीय जनता पार्टी के 4 राज्यों में प्रचंड विजय पे और राष्ट्रवाद की विजय पे, भ्रष्टाचार की हार में, परिवारवाद की हार में आज भारतीय जनता पार्टी के सारे समर्थक घुटकों के अपनी स्वेच्छा से मिलन चौक पर ये जीत का जश्न मना रहे हैं। और क्या आगे कामना करते हैं पंजाब में जो स्थिति? पंजाब में अब कोशिश कर रहे हैं, हमारा खाता खुला है और धीरे धीरे और मेहनत करेंगे और आने वाले समय में वहाँ के भी कार्यकर्ता प्रचंड मेहनत करके अच्छे नतीजे लाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के प्रति उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज के दिन आज 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है बल्कि कार्यकर्ताओं का एक उत्साह वर्धन हुआ है। ये जीत निश्चित तौर से आने वाले भविष्य में इस बात का ये है, इस बार की ओर इशारा करता है कि आने वाले विषय में भारत देश विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कर्मक जागरूक करता इसी आने वाले सालों में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने को है, क्या लगता है? छत्तीसगढ़ में जो चुनाव है, जिस प्रकार की सरकार चल रही है, वादा करना और उस वादे को निभाना, घोषणाएं तो बहुत होती है मगर घोषणाओं को अमली जाना पहचाना और उसे धरातल पर लाना, अगर जब तक तक धरातल पर नहीं लाया गया घोषणाएं हमने, वो तो वादा वादा बहुत सारे होती है। आज आपको बताता हूँ, चूँकि मैं भी खुद एक किसान हूँ, किसानों का 2021 का बोनस का आपने जो वादा किया था, बोनस का 2021 का चौथी किस्त पे बची हुई है और 2022 में आपने उसकी शुरुआत नहीं की है और आपने जो बहुत सारी घोषणाएं की उसका वो करोगे कैसे कि छत्तीसगढ़ की सरकार 70,000 के करोड़ के कर्जे में है? ये सारी घोषणाएं तो ये चुनावी घोषणाएं, क्योंकि 2023 में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पुनः एकजुट होकर आने वाले छत्तीसगढ़ में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। बहुत ही अच्छा लगा, योगी जी की सरकार आई, हम लोग सब चाहते थे कि योगी जी आए और आए, जय जय श्री राम का नारा हमारे मुखों में पूरा, ऐसा लग रहा है कि युवती का माहौल है, जीत की खुशी है, जश्न मनाया जा रहा है और बहुत ही पटाखे और लड्डू बांटे जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं योगी जी की सरकार होता है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस चीज को साबित किया और ये जीत जो है पूरे उत्तर प्रदेश की ही नहीं पूरे देशवासियों की जीत है और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी जिस तरीके से पूरे 5 राज्यों में छत्तीसगढ़ का मॉडल दिखाने के लिए वहाँ पे वहाँ की जनता को गुमराह कर रहे थे कि हम छत्तीसगढ़ का मॉडल लेके आए हैं, पूरे देश की जनता ने छत्तीसगढ़ मॉडल जो तथाकथित इनके द्वारा जो झूठा तथाकथित मॉडल बताया गया था उसको झुठला दिया है और अब ये आगे की बारी जो है भूपेश बघेल जी की है, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे और इन भ्रष्टाचारियों की सरकार बदल देंगे। ये छत्तीसगढ़ की जनता पूरे तरीके से 2023 के लिए कटिबद्ध है और तैयार है।